स्टार्ट कर दिया सर तुमने? यस सर। कौन कर दिया है? दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है पीछे में क्या क्या लिखा हुआ है? दिख रहा है सर? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एट द सेम कॉलेज गंगाधर महाविद्यालय। आई हैव जॉइंड दिस पर्टिकुलर कॉलेज फ्रॉम 2009। देन आई हैव रिजॉइंड दिस कॉलेज अगेन इन 2016 इन द सेम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, आई थिंक इसमें आवाज़ आ रहा होगा। यस सर, कनेक्ट कर दिया। अब सर ने बताया कि आप लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सब लोग, राइट? सो जितने भी अभी तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें साइंस के कुछ टॉपिक्स हैं जो हमेशा उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो उसी रिगार्डिंग में अप्रोच हमारी तरफ से है, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से, कि हम लोग के पास भी जो नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है, बायोलॉजिकल नॉलेज है, आपके साथ शेयर किया जाए। ठीक है, एक बेसिक टॉपिक आज अपन देख रहे हैं, दैट इज एटमॉस्फियर। ठीक है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? वायुमंडल। ठीक है, सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑन द अर्थ, और इसीलिए अगर आप एटमॉस्फियर ऑन अर्थ चेक कर रहे हैं, इट इज मीन बाय अर्थ एटमॉस्फियर, है ना, पृथ्वी का वायुमंडल। CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, आर्गन,
जितने भी गैसेस आपने आज तक जितनी भी सुना होगा वो साथ ही साथ सल्फर किस में कवर होता है? अदर गैसेस 1%, राइट। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है हाउ मच अमाउंट ऑफ CO2 विल बी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, द आंसर इज 0.03%। क्या है? 0.03%। अब सोचो 1% कितना होता है, उसका भी अगर आप कम करते तो 0.01 हो जाएगा, उससे भी क्या होगा पीछे डेसिमल लेके जाओगे 0.01 होगा, और उसका भी थर्ड पार्ट दैट इज 0.03। समझ में आ रहा है? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। सब लोग को लगता है कि CO2 सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा CO2 का इमिशन होता है, जितने भी व्हीकल्स हैं CO2 इमिट करते हैं, है ना, आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे एटमॉस्फेयर में 0.03% में CO2 प्रेजेंट है। क्लियर? यहाँ पर कुछ लिखा है दैट इज द ग्रीन हाउस गैसेस, दैट इज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर वेपर्स एंड कार्बन मीथेन। अब यहाँ पर थोड़ा मीथेन और ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात आ रही है, तो यहाँ पर कुछ डिस्कशन का पॉइंट आता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है दैट इज नथिंग बट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि बेसिकली होता है CO2 के वजह से। किसके वजह से होता है? CO2 के वजह से। बट यहाँ पे मीथेन का भी अगर नाम आता है, बट इसका जो परसेंटेज है वो बहुत माइनूट होता है एज कम्पेयर टू CO2। सो मेजोरिटी ऑफ गैसेस विल बी CO2 इन रिगार्ड्स विद द ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। ये बात ध्यान में रखें, ठीक है। दोनों गैसेस का जो कंपोजिशन है वो अलग है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जो ग्लोब है वो धीरे धीरे वार्म अप होते जा रहे हैं, वार्म अप होना यानी धीरे धीरे गर्म होते जा रहे हैं, राइट। और किस वजह से हो रहा है? क्योंकि CO2 का इमिशन है पूरे ग्लोब में धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसके वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा सन रेस को ट्रैप कर रहा है, जिसके वजह से ग्लोब का जो टेम्परेचर धीरे धीरे राइज हो रहा है, ठीक है। वो टॉपिक अलग है बट रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर है, अपने डिस्कस किया। एक यहाँ पे एक स्लाइड आया है कि जो अर्थ अपना सिस्टम है, पूरा का पूरा अर्थ सिस्टम है, दैट इज नथिंग बट द बिलोंग्स टू द एटमॉस्फेयर। लेकिन एटमॉस्फेयर का वेन इट इज रिलेटेड टू द गैसियस, वेन इट इज रिलेटेड टू द लाइफ इट इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर, वेन इट इज रिलेटेड टू द अर्थ बेसिक कोर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज जियोस्फीयर, एंड वेन इट इज रिलेटेड टू द वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन होता है वाटर, जियो यानी हो गया है जियो, जियो लैंड, लैंड जियोस्फीयर है रिलेटेड टू द लैंड, बायोस्फीयर है लाइफ। बायो में क्या क्या है? लाइफ साइंसेस। बायो में क्या क्या आएगा? प्लांट्स, एनिमल्स भी आता है, ह्यूमंस, देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इंसेक्ट एनिमल्स में आ गया, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन आएगा? बैक्टीरिया, वायरसेस, आर्की बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, राइट, फंगाई, एल्गी, सभी के पास वायरसेस छोड़ के, ठीक है। वायरसेस क्यों? वायरसेस आर नॉन लिविंग पार्टिकल, उनमें जान नहीं होती है, उसमें लाइफ नहीं होता है। जब वायरसेस किसी होस्ट के ऊपर अटैक करते हैं, होस्ट यानी एक लिविंग अनदर बॉडी, लिविंग सेल या लिविंग बॉडी या लिविंग क्रिएचर के ऊपर अटैक करता है, तभी उसके बॉडी में जाने के बाद यानी होस्ट के बॉडी में जाने के बाद वो एक्टिवेट होता है और वो लिविंग में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन आउटसाइड द होस्ट वायरसेस आर नॉन लिविंग, वो जिंदा नहीं होते, ठीक है। सो बायोस्फीयर को अपन डिस्कस कर चुके हैं और अपना मेन टॉपिक है आज का एटमॉस्फेयर। देखो यहाँ पे क्लियर कट कंपोजिशन लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 मैंने बताया, उसके बाद का एक डिजिट है दैट इज 0.035%। नियॉन गैस, नियॉन कौन से गैस में आता है? आर्गन गैस, नियॉन गैस, नोबल गैसेस में आता है, राइट। देखो इसका कंपोजिशन देखिए कितना है, 0.001
अरे देखो 1% होता तो आप मान सकते कि 1% कितना होता है, बट ये 0.001 helium, it is also a noble gas, 0.0005. देखो डिजिट देखो कितना लग रहा है, क्लियर? देखिए अगर आप ये जो स्लाइड है ये गूगल पे ही अवेलेबल है, गूगल का ही डाटा है, स्लाइड शेयर पे स्लाइड अवेलेबल है, अगर आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए देखना है तो आप देख सकते हो। देन मीथेन गैस कितना है, क्रिप्टॉन गैस कितना है, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड N2O देखो कितना है 0.00005%। देन हाइड्रोजन, कम टू द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, विदाउट हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल बन नहीं सकता है, क्योंकि वाटर का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, H2O, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, तब जाके वो बनेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और उसको बनाने के लिए भी हाइड्रोजन कितना यूज हो रहा है, देखिए 0.00005। देन लास्ट इज ओजोन, यू नो दैट ओजोन के बारे में आपने सब सुना होगा, अभी आज हम डिस्कशन भी करेंगे, ओजोन लेयर एक होता है एटमॉस्फेयर में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसका भी कंपोजिशन दिया है, व्हाट इज द कंपोजिशन, 0.00007%, इतना कम कॉन्सेंट्रेशन होता है ओजोन का। ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3, ऑक्सीजन का क्या है, O2, यानी दो ऑक्सीजन आपस में मिल के क्या बनाएगा, O2, लेकिन तीसरा ऑक्सीजन एटम उसमें जुड़ जाएगा, O2 में एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा O3, इट्स अ मॉलिक्यूल, राइट। नाउ द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, अब जो लैंड का सरफेस एरिया है, अर्थ का जो सरफेस एरिया है, तो वायु तो उसके ऊपर ही रहेगा, उसके नीचे तो नहीं रह सकता, और इसीलिए वायु जैसे जैसे अपन अपर लेयर में पर्टिकुलर हाइट पे जाते जाएंगे, एक पर्टिकुलर लेयर बनते जाएगा, राइट। अब ये जो लेयर सिस्टम पड़ा हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, एक लैंड से पर्टिकुलर डिस्टेंस मेजर करके उन्होंने ये कॉन्फिगर किया गया है कि कौन से लेयर में क्या पाया गया, कौन सा गैस पाया गया, उसका कंपोजिशन क्या था, उसका टेम्परेचर क्या था, उसका प्रेशर क्या था, उसका क्या इफेक्ट हुआ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, ये सारा उन्होंने कंपाइल किया और कुछ लेयर्स बना के दिए, राइट। तो इन लेयर्स का नाम है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, और उसके बाद आता है एक्सोस्फियर, सबसे बाहर वाला एक्सोस्फियर, थोड़ा नाम से देखते हैं, ट्रोपोस्फियर सबसे पहला, स्ट्रेटोस्फियर ये दूसरा, मीजो, मीजो यानी मिडल, मीजो यानी मिडल पोर्शन होता है, उसके बाद थर्मो, ये थर्मो नाम से पता चल रहा होगा कि थर्म यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे होगी, राइट। थर्मोस्फियर में ही आता है हाइड्रोस्फियर, और थर्मोस्फियर में ही आता है एक्सोस्फियर, ठीक है। थर्मोस्फियर में दो स्फीयर आते हैं, आयनोस्फियर, आयनोस्फियर की स्पेलिंग से आपको पता चल रहा होगा, वो आयन्स के बारे में बात कर रहा है, क्या कर रहा है वो आयन्स के बारे में बात कर रहा है, और इसके बाद क्या क्लियर होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सो, एक्सो यानी लास्ट, बाहर का सबसे लास्ट, सो इट इज कॉल्ड एज एक्सोस्फियर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब जो ट्रोपोस्फियर होता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये अपन थोड़ा जानते हैं। द बॉटम लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी सबसे बॉटम में जो लेयर है एटमॉस्फेयर में, उस लेयर को बोला जाता है ट्रोपोस्फियर। देखिए एक्चुअली आई बिलोंग टू द साइंस बैकग्राउंड, इसलिए मुझे इन लेयर्स के हिंदी या मराठी नाम नहीं पता, और एग्जाम में भी अगर आप देखोगे तो यही नाम लिखे होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑप्ट करते हो हिंदी मीडियम या मराठी मीडियम का एग्जाम, तो आप फिर आपको ये नाम नहीं मिलेंगे, बट उन्होंने अभी स्टार्ट किया है एक स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर, स्टार्ट किया एक स्टैंडर्ड नाम देना चाहिए, ठीक है। आई थिंक इसको कुछ बही क्या बोलते, कुछ पता है किसी को, बहिर्वक्र है ना, ऐसा कुछ भी नाम है, बट अभी
उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन अगर बेस्ट एटमोस्फेयर में पूछेंगे तो यही नाम आपको मराठी में भी देंगे, हिंदी में भी देंगे, ठीक है? सो डोंट बॉदर अबाउट दैट। सो ट्रोपोस्फीयर ये सबसे बॉटम लेयर से स्टार्ट होने वाला लेयर होता है, स्ट्रेच अबाउट 11 किलोमीटर। अब ये प्रेजेंटेशन में 11 किलोमीटर किया हुआ है, बट जो इक्वेटर होता है वो इक्वेटर से अपन थोड़ा ऊपर ऊपर जाते हैं तो नियर अबाउट 16 to 17 किलोमीटर ये ट्रोपोस्फीयर का लेयर होता है। इतना मोटा ये लेयर होता है, कितना किलोमीटर तक का? 16 to 17 किलोमीटर। लेकिन जैसे जैसे अपन पोल्स की तरफ जाते हैं, पोल्स यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो पोल्स की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे अपन पोल्स की तरफ जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है? डाउन होता है। इसलिए आइस बॉक्स यानी आइस सबसे ज्यादा पोल्स पे पाया गया है, इक्वेटर पे नहीं पाया गया, क्योंकि इक्वेटर पे डायरेक्टली सन रेज स्ट्राइक होते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर अप हो जाता है। लेकिन जो पोल्स होते हैं वहाँ पे सन रेज डायरेक्टली नहीं पहुँचते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे बर्फ ज्यादा होता है, राइट? और गैस का एक फिनोमिना होता है कि हायर टेम्परेचर पे गैस का जो वजन होता है वो कम होता है और लोअर टेम्परेचर पे गैस का जो वजन होता है वो ज़्यादा होता है। बात समझ में आई? अब इस प्रिंसिपल को यहाँ पर रिलेट करते हैं, जो लेयर है इक्वेटर पे वो 16 किलोमीटर का है क्योंकि इक्वेटर पे जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हायर होता है, लेकिन जैसे जैसे पोल्स पे जाएंगे ये जो डिस्टेंस है ये कम होते जाएगा, राइट? यानी यहाँ पे जो लेयर 16 किलोमीटर का है तो यहाँ पे जो लेयर 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर तक का ही रह जाएगा, क्योंकि हवा धीरे धीरे भारी होती जा रही है तो धीरे धीरे नीचे आ रही है, बॉटम की तरफ आ रही है, इसलिए उसका जो चौड़ाई है लेयर का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया है, उसकी मोटाई कम हो गई। लेकिन इक्वेटर पर उसकी मोटाई ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ऐसे आता है तो वो मोटाई कम हो जाती है। बात समझ में आई? समझ में आया ये? अब टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द एल्टीट्यूड वेयर द वेदर कंडीशंस हैपन। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर धीरे धीरे कम होते जाता है, देन इट कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे बताना है यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर के बारे में। ट्रोपोपोस, ठीक है। अब जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फीयर की अगर बात कर रहे हो तो जितने भी गैसेस हैं इसी पर्टिकुलर लेयर में पाए जाते हैं, जितने मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया है, जितने भी लेयर गैसेस के नाम होकर ले लिए, सारे के सारे गैसेस कहाँ पाए जाते हैं? यहीं पे, राइट? इसके बाद का लेयर होता है स्ट्रेटोस्फीयर, जहाँ पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे एक लेयर खत्म होता है और दूसरा लेयर स्टार्ट होता है, उसको पॉज बोला जाता है। क्या? पॉज। जैसे अपन कोई मूवी देखते हैं तो पॉज करते हैं ना, यानी रुक जाता है, तो जो भी पिक्चर दिख रहा होगा वो वहीं पर रुक जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ता, पॉज हो जाता है। तो उसी तरीके से जब ट्रोपोस्फीयर से नेक्स्ट इसमें शिफ्ट होना है तो उसको भी पॉज वर्ड लगा दिया जाता है, लेकिन नाम नीचे वाली लेयर का रखते हैं, तो ट्रोपोपॉज। क्या नाम हो जाएगा? तो ट्रोपोस्फीयर से जब अपन स्ट्रेटोस्फीयर में जाएंगे तो पॉज का नाम क्या पड़ेगा? ट्रोपोपॉज, नीचे वाले का ट्रोपो और पॉज। समझ में आया? तो जैसे अपन अगर समझ लेते हैं आप स्ट्रेटो की बात कर रहे हैं और उसके बाद मिसो आने वाला है, अब ये जो बाउंड्री है उसका नाम क्या रहेगा? स्ट्रेटोपॉज। उसके ऊपर जो बाउंड्री का मीज़ोपॉज। बात समझ में आई? बात क्लियर हो गई अभी यहाँ पे? अब यहाँ पे और एक चीज डिस्कशन का पॉइंट है कि जो एरोप्लेन्स होते हैं वो उड़ते हैं, राइट? एयर में ही उड़ते हैं, तो इनका जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो कौन से लेयर में उड़ते हैं? बहुत सारी जगह पे मैटर उन्होंने दिया हुआ है कि वो ट्रोपोस्फीयर में उड़ते हैं, बहुत सारे बुक्स में ये दिया है कि वो स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं, राइट? बट उनका भी सही है कि ये दोनों जो लेयर जहाँ इंटरमिंगल होती है दैट इज ट्रोपोपॉज, उसी पर्टिकुलर एरिया में कौन उड़ते हैं? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ट्रोपो, क्योंकि उतना हाइट को जितना हाइट पे एरोप्लेन जाते हैं उतना हाइट पे हेलीकॉप्टर नहीं जा सकते, क्लियर? देन हॉट एयर बलून्स, ट्रोपोस्फीयर, हॉट एयर बलून्स,
यही अपनी लैब जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रोपोस्फीयर, हॉट एयर बलून भी उसी एरिया में जाके रुक जाएगा। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज स्ट्रेटोस्फीयर। इसी लेयर अब ये कहाँ तक होती है? अपन ने पहली लेयर कहाँ तक किए थे? 16 के बाद 50 तक। 16 के बाद 50 तक कौन सा लेयर स्टार्ट होगा? स्ट्रेटोस्फीयर। अब इसी लेयर के अंदर ओजोन लेयर होता है। कौन सा लेयर होता है? ओजोन लेयर। अब इसका ओजोन का भी कुछ पैरामीटर है। तो ओजोन लेयर जो 16 के बाद 35 तक, 16 से 35, 35 के बाद 50 आ रहा है। नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फीयर कितना है? 16 टू 50 और 35 तक, यानी इतना लेयर क्या रहेगा? ओजोन लेयर। बात समझ पाए? ये ओजोन लेयर का काम क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेज। यूवी रेज कमिंग फ्रॉम सनलाइट। तो जो सनलाइट अपने पास आ रहा है अर्थ के ऊपर, उसके अंदर कौन से रेज हैं? यूवी रेज। वैसे तो उसके अंदर बहुत सारे रेज होते हैं, राइट? कौन से होते हैं? कौन से पता है आपको? माइक्रोवेव, गामा रेज, अल्फा रेज, कॉस्मिक रेज, रेडियो वेव्स। बहुत सारे वेव्स होते हैं, बहुत सारे वेव्स होते हैं जिसमें सन रेज में, बट ओजोन लेयर से प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम यूवी रेज। क्लियर हुआ यहाँ पे? नाउ अब यूवी रेज को वो क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। इज दैट क्लियर? और एब्जॉर्ब करने के बाद फिल्टर हो गया सन रेज, और बाकी की जो रेज कहाँ जाएंगे? फिर और सरफेस में जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे ओजोन का मीनिंग समझ में आया, ओजोन लेयर का फंक्शन समझ में आया, राइट? उसका जो मोटापा है, लेयर है, वो भी समझ में आया। क्लियर? नाउ टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है? जैसे टेम्परेचर और ट्रोपोस्फीयर में थोड़ा कम होता है, लेकिन उसके अपर लेयर में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो उसके ऊपर वाले लेयर में जाएंगे, टेम्परेचर फिर से डाउन हो जाएगा। पहली कौन सी लेयर है? ट्रोपोस्फीयर। उसके बाद टेम्परेचर थोड़ा अप जाएगा, क्योंकि यूवी रेज एब्जॉर्ब हो रहे हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर अप जाएगा। उसके बाद वाले जो लेयर होते हैं मेसोस्फीयर, वहाँ का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ये अल्टरनेट चलता है, अगर आपको याद रखना है तो। वैसे पहले टेम्परेचर थोड़ा कम है, अर्थ पे बहुत कम है, उसके बाद जैसे जैसे अपन थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जाते जाएंगे, ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर डाउन होते जाएगा। फिर जैसे ही मेसोस्फीयर आ जाएगी, टेम्परेचर यूवी रेज वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, समझ जाओ थोड़ा सा टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। और जैसे ही मेसोस्फीयर में जाएंगे, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। कितना डाउन होगा? डायरेक्ट माइनस में चले जाएगा। कौन सी लेयर में? थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, नियर अबाउट 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर अबव ये होता है। लेकिन 50 किलोमीटर तक कौन है? स्ट्रेटोस्फीयर। और उसके बाद कौन हो जाएगा स्टार्ट? मीन्स 50 से 80 के बीच में जो लेयर रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज मेसोस्फीयर। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। अब इसका एडवांटेज क्या है? जो मेटेराइट्स होते हैं, मेटेराइट्स यानी उल्कापात, उल्कापिंड, जो भी एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स आते हैं, वो क्या होता है, जब भी एटमॉस्फेयर में पेनिट्रेट करते हैं तो बहुत स्पीड से आते हैं, राइट? तो धीरे धीरे वो थर्मोस्फीयर से गर्म होते आते रहते हैं, राइट? और ये जो स्फीयर होता है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और उसके साथ वो कोलाइड हो जाता है, और कोलाइड होने के बाद वो डिस्पर्स हो जाता है। यानी जो बड़ा पत्थर भी होगा तो वो डिस्पर्स हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मेसोस्फीयर का काम है मेजराइट्स को डिस्ट्रॉय करने का काम, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, और जो पार्टिकल आता है वो बहुत हॉट तरीके से आता है,
क्लियर, याद रहेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेसोस्फीयर, देखो यहाँ पे लिखा भी है वेयर द मोस्ट ऑफ द मेटेरॉइड्स बर्न अप, बर्न अप यानी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। Then last layer is thermosphere. It is the fourth layer. अब ये कहाँ से लेके कहाँ तक होती है? मैं अब point क्या पे आ रहा है? 80 के above. 80 के above कितना? बहुत सारे पूछ में लिखा है 690 किलोमीटर तक. 80 के above up to 690 किलोमीटर तक कौन सा होता है? Thermosphere. लेकिन इसमें भी दो इसमें division किया गया है. एक ionosphere है. इसीलिए 80 के अबव और 690 के बिलो आयनोस्फीयर बोला जाता है और 690 के अबव अप टू 10,000 इट इज कॉल्ड एज एक्सोस्फीयर। क्लियर? फिर से मैं डिस्टेंस गिना के देता हूँ आप लोगों को, 0 से लेके 16 से लेके 50 से लेके 80 और 80 से लेके 690 किलोमीटर और 690 किलोमीटर टू 10,000 किलोमीटर एक्सोस्फीयर। समझ में आया? क्लियर? अब जब इस लेयर तक आ गया है तो यहाँ पर हम बात करते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर क्यों बोला जाता है? मोस्ट ऑफ द आयंस, आयंस है ना, आयंस होता है ना हाइड्रोजन आयन, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसी लेयर में सबसे ज्यादा एक्यूमुलेटेड पाए गए हैं। एक्यूमुलेटेड यानी जमा पाए गए, राइट? जिसके वजह से इस स्फीयर को उन्होंने नाम दिया है आयनोस्फीयर। इज दैट क्लियर? थर्मोस्फीयर इज आल्सो कॉल्ड एज हॉटेस्ट लेयर। व्हाई? क्योंकि जो आयंस होते हैं वो कंटिन्यूसली रेस को क्या कर रहे हैं, एब्सॉर्ब कर रहे हैं, हीटअप हो रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, अगेन हीटअप हो रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर कैसा होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। कितना डिग्री सेल्सियस होता है ये भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस कितना लिखा गया है और इसीलिए इसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अब ये जो एटमॉस्फेयर बन चुका है इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अब इम्पोर्टेंस क्या ह्यूमंस के लिए रहेगा क्या? इम्पोर्टेंस जो एटमॉस्फेयर का सिर्फ ह्यूमंस के लिए रहेगा क्या? अपनी उसका फायदा ले रहे क्या? सभी के लिए है, राइट? जितने भी लाइफ फॉर्म्स अवेलेबल है ऑन द अर्थ सभी के लिए इसका यूटिलाइजेशन होगा, राइट? तो देखते हैं, इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी गैसेस फॉर द लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव, यानी जीने के लिए जितने भी गैसेस नेसेसरी होती है ये एटमॉस्फेयर आपको प्रोवाइड करता है। तो ह्यूमंस को सबसे ज्यादा जरूरी गैस कौन सा है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन इस रूम में नहीं होता तो आप जिंदा रहते मर जाते, यस हो जाते, क्या हो जाते? मर जाते। यानी अगर एटमॉस्फेयर से अगर ऑक्सीजन को आप डिवाइड कर दो, डिवाइड यानी हटा दो, जो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन वाले जो लिविंग क्रिएचर्स है वो नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर? व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स क्या प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है? कब है? कब है? चलो अपने को कितने घंटे का ऑक्सीजन चाहिए रोज? 24 घंटे चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है कि कभी
दिन में चाहिए और रात में नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। जो भी कहते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है। दिन में उनको CO2 चाहिए, रात में उनको ऑक्सीजन चाहिए। दिस इज द कंडीशन। अगर उनको भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो भी डेड हो जाएंगे, राइट। फिर उनको दूसरा गैस लगता है CO2, जो दिन में वो यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसके वजह से एक प्रोसेस उनके अंदर चलता है, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी फोटो फोटो का प्रेजेंस में वो अपना फूड मटेरियल सिंथेसाइज करते हैं। Majority of food is in the form of glucose. कौन से फॉर्म में कर रहे हैं? ग्लूकोज इज अ सिक्स कार्बन कंपाउंड। कितना होता है? यानी CO2 में C है, ग्लूकोज में C है, कितने C है? सिक्स। यानी एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, छह कार्बन, एक ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज एक्यूमुलेट करेगा दिन भर, प्लांट क्या करता है ग्लूकोज को सिंथेसाइज करता रहता है, बहुत सारे ग्लूकोज अपने अंदर समा लेता है, राइट। प्लांट एब्जॉर्ब करके रख देता है, राइट। और फिर जो जानवर है, जो एनिमल्स है, उस प्लांट को खाते हैं, तो डायरेक्टली उनको फूड मटेरियल मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, उससे वो जिंदा है। इज दैट क्लियर? बट क्या ग्लूकोज जो प्लांट ने सिंथेसाइज किया वो खुद भी यूटिलाइज कर रहा है क्या? यस, यूटिलाइज कर रहा है। रात में तो CO2 उसको नहीं मिल रहा है, वो नहीं ले रहा है, मिल तो रहा है लेकिन ले नहीं रहा है, लेकिन ऑक्सीजन ले रहा है। तो रात में जिंदा रहने के लिए जो दिन भर उसने ग्लूकोज एक्यूमुलेट किया था, उसी को यूज करके, यूटिलाइज करके वो रात में जिंदा रहे। समझ में आया? ये प्लांट की स्ट्रेटेजी है कि दिन भर क्या करें, खाना बनाए। किस चीज़ के लिए बनाए? रात में उनको खाना है, प्लांट्स को खुद को खाना है, लेकिन दिन में ही इतना ज्यादा ग्लूकोज बना लेते हैं कि उनको रात में भी खा सके, स्टोर करके सके, और जो एक्सेस होता है वो फिर एनिमल्स को मिल रहा है। बात समझ में आई? यानी इतना ज्यादा अमाउंट में फोटोसिंथेसिस होके प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज का एक्युमुलेशन बढ़ जाए। क्लियर? बात समझ में आई? और उसी से आप भी जिंदा हो जो वेजिटेरियन है। सारे पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं, एक बार आपको पढ़ना है तो पढ़ लो। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पोल्यूशन मीन्स एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी टॉपिक एटमॉस्फेयर में आएगा, राइट। अनकंट्रोल्ड एलिवेशन इन एनी गैस लीड्स टू पोल्यूशन, यानी जो एटमॉस्फेयर का जो बैलेंस बनाने के लिए जो कंपोजिशन बनाया गया है और के पास पहले से बना हुआ है कंपोजिशन, अगर आप इसमें अगर डिस्टर्बेंस करते हो, इट कॉजेस पोल्यूशन। जैसे 0.03 CO2 का परसेंटेज होना चाहिए, बट आज क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अपन फ्यूल यूज करके इमिशन हो रहा है गैसेस का बाय द यूजिंग व्हीकल्स, जिसके वजह से CO2 का इमिशन सबसे ज़्यादा बढ़ गया है, यूटिलाइजेशन बढ़ गया है व्हीकल्स का, CO2 रिलीज हो रहा है, CO2 रिलीज होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उसी की वजह से जैसे जब भी अपन ने डिस्कस किया कि ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट आ रहा है। क्लियर? और इसीलिए जो भी पर्टिकुलर चीज़ एक्सेसिव होगी और एटमोस्फेरिक रेंज में नहीं आएगी, जो स्टैंडर्ड रेंज है उसके अंदर नहीं आएगी और वो उसके ऊपर चली जाएगी, लीड्स टू पोल्यूशन। और यहाँ पे कौन सा पोल्यूशन होने वाला है? एयर पोल्यूशन। तो ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर भी नीचे लिखे गए हैं। क्वेश्चन क्या है? वो आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर बीइंग डिस्क्राइब which is having the hydrogen and the helium molecules or ions, कौन से लेयर में देखे थे आपने? थर्मोस्फीयर में। आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर व्हिच इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कौन से लेयर में होता है?
क्यों होता है? वही प्लस टू उसी प्रोपोस्फीयर पे चल रहा है, कंटिन्यूस पोल्यूशन भी वही जगह पे इंक्रीज हो रहा है, इसलिए प्रोपोस्फीयर इज द आंसर. प्रोटेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. ऐसा कौन सा लेयर है जो हार्मफुल यूवी रेज से आपको बचा रहा है? कौन बचा रहा है? ओजोन लेयर. कौन सा स्फीयर बचा रहा है? Contains the most dense air. जो होती है सबसे ज्यादा एयर, जो मिक्सचर ऑफ एयर कहाँ पे है? सबसे नीचे वाले में भी. अब अगर देख, अब देखो एक पॉइंट, जितनी भी गैसेस हैं उनको अगर आप उसका वजन कर लिया जाए तो 75% जो मास होता है वो ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है. समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितनी भी गैस है सबका वजन करो और देखो कि कौन से लेयर में वो दिख रहा है. सो वो आपको ट्रोपोस्फीयर में 75% ऑफ टोटल गैसेस का जो वजन है वो कहाँ पे मिलेगा? ट्रोपोस्फीयर में. यहाँ तो रिलेट कर रहा है कंटेंट्स जो मोस्ट डेंस, डेंस यानी वजनी मास, एयर इज इन द ट्रोपोस्फीयर. कंटेंट्स द लीस्ट डेंस और थिनेस्ट एयर इन थर्मोस्फीयर, क्योंकि थर्म उस पर्टिकुलर डिग्री सेल्सियस में सारे ही गैसेस क्या हो जाएंगे? हाई टेम्परेचर पे इनका मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और वो ऊपर चल जाएगा. द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर, अभी मैंने बताया था -50 डिग्री सेल्सियस कौन सी लेयर में होता है? मेसोस्फीयर, जहाँ पे ओजोन लेयर पाया जाता है. आप चलो कंटेंस ओजोन वेर कुछ लोगों ने डिस्क्राइब किया है ट्रोपोस्फीयर में, कुछ लोगों ने डिस्क्राइब किया है स्ट्रेटोस्फीयर में, राइट. बट जो बाउंड्री है, बाउंड्री लाइन है, वहाँ पे एयर प्लेन्स उड़ते हैं, राइट. लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही आंसर प्रेडिक्ट किया गया है, ठीक है. ये कॉन्ट्रोवर्सियल पॉइंट है लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ने, गवर्नमेंट बॉडीज ने यही आंसर दिया हुआ है. क्लियर? उसका नॉलेज में मैंने दिया, दोनों लेयर में एयरप्लेन उड़ते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रोपोस्फीयर में उड़ते नहीं है, उड़ते हैं. लेकिन स्टेबिलिटी जो एयरप्लेन को चाहिए वो कौन सी लेयर में मिल रही है? अगे वन मोर पॉइंट, अगर एयरप्लेन की अपन बात करें, सैटेलाइट कहाँ पर उड़ते हैं? लास्ट लेयर में आते हैं एग्जोस्फीयर. एग्जोस्फीयर ही बाहर का है, एग्जोस्फीयर ही आएगा इसके बाद. क्या समझा? ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन देखो. तो नाइट्रोजन गैस इज द मोस्ट एबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर, सही है? मीथेन गैस इज नॉट अ ग्रीन ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस है. एक्सप्लेनेशन क्या दिया था? CO2 और मीथेन दोनों कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी किसके है? लेस चांसेस किसके हैं? मीथेन. यानी अगर देखा जाए 90% शेयर किसका है? 10% शेयर किसका है? लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, बस समझ गए. अगर यहाँ पे दोनों गैस अगर होती तो आपको चूज करना पड़ता CO2. पॉइंट क्लियर हो? हाँ बताओ.
कौन से हैं? मेसोस्फीयर जो है वो एक्सपेलर जो है वो ब्लास्ट ऑफ नहीं नहीं रिलेटेड टू द हॉट मैंने टेंपरेचर की बातें चल रही है ना थर्मोस्फीयर थर्मो से नाम पता चल रहा है कि हॉट टेंपरेचर है लेकिन मेसो में आपने डिस्कशन किया था कि कोल्ड टेंपरेचर होता है राइट वो क्या बोल रहा है कि थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर thermosphere and mesosphere are the hottest layer of the atmosphere. Obviously it is false. Clear? ठीक है, I think ये 32 है, last slide चल रहा है. Clear? अब किसी को कोई doubt है इस portion में कुछ पूछना है आप लोगों को तो आप पूछ सकते हैं. कुछ भी डाउट हो टॉपिक समझ में आया राइट एटमॉस्फेयर में आयनोस्फीयर होता है जो 690 के नीचे होता है नीचे होता है और उसमें आयंस फॉर्मेशन होता है आयंस रहते हैं हाँ. तो वो वहाँ पे भी तो डाइपोल डाइपोल होता होगा डाइपोल इंटरपोल होता होगा तो फिर वहाँ पे भी तो वाटर फॉर्मेशन होता होगा वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि उनका कोलिजन होने की वजह से आयन का फॉर्मेशन ज्यादा होते रहता है राइट रादर देन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ठीक है इसलिए उसी चीज को उन्होंने आयनो यानी आयनोस्फीयर नाम दिया है क्लियर और ये ही आयन्स क्या कर रहे हैं टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं इसलिए वो कौन से लेयर में आ गए थर्मोस्फीयर क्योंकि टेम्परेचर वो राइज कर रहे हैं उसकी वजह से क्लियर व्हाट अबाउट रेडियो वेव्स रेडियो वेव्स रेडियो वेव्स फॉर एग्जाम्पल लैंड के ऊपर से अर्थ लैंड के ऊपर से रेडियो वेव्स आपने छोड़ा ऊपर तक जाएगा ऐसे कौन सी लेयर है जो उसको रिफ्लेक्ट करके नीचे भेज देगा आयनोस्फीयर कौन भेजेगा ये आयन्स इतनी ज़्यादा डेंस है वहाँ पे उस पर्टिकुलर लेयर में कि जो नीचे से सिग्नल जाएगा और रिफ्लेक्ट होकर सीधा वापस नीचे आ जाएगा यानी वो क्या कर रहा है रिफ्लेक्ट कर रहा है रेडियो वेव्स को समझ में आया तो कौन से लेयर से वो ट्रांसमिट होते जा रहा है ऊपर पार कर रहा है उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर को पार कर रहा है उसके बाद बात समझ में आई और जब वो थर्मोस्फीयर में आ रहा है तो उसको दिख रहा है कि वहाँ पे आयनोस्फीयर है उससे वो रिफ्लेक्ट हो गया फिर से नीचे आ समझ में आया और कुछ पूछना है आप ये टॉपिक पे जितने भी अपने डिस्कशन किया है हर एक पॉइंट के ऊपर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं अगर आप प्रॉपरली चेकआउट करोगे ये 10-20 साल पुराने पेपर्स तो आपको कंटिन्यूसली मिलेगा इवन हमने नेट सेट का एग्ज़ाम दिया था उसमें भी ये क्वेश्चन सबको मिले थे राइट उन्होंने पूछा था कि इसका सिक्वेंस लगाओ ऑप्शन दिए थे इन सभी को एक सिक्वेंस में लगाओ जो अभी आपको पता चल चुका है राइट तो ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया है राइट रिसेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमने भी दिया था सेम क्वेश्चन वहाँ पर भी हमको दिखा था राइट तो जैसे जो कमिटी है उन्होंने हमसे डिस्कस किया कि आप एक यूनिवर्सल क्लास से बिलोंग कर रहे हो आर्ट्स कॉमर्स साइंस तो हमने सोचा कि एक ऐसा टॉपिक पढ़ाया दिया जाए जो रूटीनली अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ठीक है फर्दर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो तो अपन क्लास को एंड कर दें एटमॉस्फेयर में वाटर सॉरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दोनों प्रेजेंट है बट वाटर मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्मेशन देखा जाए तो H2O ऐसा है तो फिर वाटर क्यों फॉर्म रहता है उससे वो दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कोलाइड होता है आपस में कंडेंस होता है तब जाकर वाटर मॉलिक्यूल बनता है और जब आप वाटर मॉलिक्यूल को हीट करते हो वो हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से उसके अंदर का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है इसलिए हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाता है इसलिए वो गैसीय फॉर्म में आ जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है तो उसकी वजह से टेम्परेचर जो अर्थ का टेम्परेचर वो हॉट हो रहा है तो उसमें से तो टेम्परेचर मिल ही रहा है ना तब भी तो नहीं बन रहा क्या चीज नहीं बन रहा वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्म में इस
स्टेबल है ना, दोनों मॉलिक्यूल स्टेबल है, वो भी स्टेबल है। लैब में भी बनाने के लिए तो नहीं बनता, मॉलिक्यूल बनाने के लिए सर वो इंटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता, तो इंट्रा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, जब हाइड्रोजन अट्रैक्ट करता है ऑक्सीजन को तभी वो इंट्रा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बनेगा एंड देन वो फॉर्म होगा H2। और वैसे कि टेम्परेचर मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर में फॉर्म होता है, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, और H2 बनाने के लिए H2 और O लगता है, मतलब सिंगल ऑक्सीजन आइटम लगता है, वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ऐसे नहीं होता। ये जो बोले आपने बॉर्डर बनाने के लिए H2O, मतलब ऑक्सीजन के दो पार्ट है और हाइड्रोजन का, सॉरी ऑक्सीजन का एक पार्ट है और हाइड्रोजन के दो पार्ट है, तो ऐसे भी तो हो सकता है हाइड्रोजन के दो लिए ऑक्सीजन के दो लिए, और फिर बैलेंस तो हो सही ना, केमिकल बैलेंसिंग होता है, केमिकल बैलेंसिंग तो कर सकते हैं सर। ये जो एटमोसफियर है इससे रिलेटेड, जैसे अपन आजकल का ट्रेंड ऐसा कह रहे हैं जैसे UPSC एग्जामिनेशन, तो इसमें द हिंदू से रिलेटेड और जो इंडियन एक्सप्रेस है इसके साइंस एंड टेक बेस से रिलेटेड किस तरह भी क्वेश्चन निकल सकते हैं एटमोसफियर रिलेटेड। जितना भी अपन ने अभी डिस्कशन किया है क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन रिलेट कर रहे हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। नहीं सर, करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन देना होता है ना, करंट अफेयर्स में आपको ग्रीन हाउस पूछेगा, आपको ग्रीन हाउस पूछेगा, ग्रीन हाउस और प्रोटेक्शन एक्ट भी पूछ सकता है सर, हमारे साइंस का वेरा भी है, और जो ग्रीन हाउस का प्रोटोकॉल होता है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऐसा कुछ, हां उसके भी इसलिए क्वेश्चन आ सकता है, हां जैसे मॉन्ट्रियल के, हां उसका क्वेश्चन आ सकता है कि वो प्रोटोकॉल कब हुआ, उसमें कौन से कौन से स्टेट्स में प्रोटोकॉल हुआ, ग्रीन एक और ग्रीन हाउस का यहां से क्वेश्चन हो सकता है, ये रेशम से नाम गवर्नमेंट एजेंसीज ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं उससे रिलेटेड वो बात चल रही है, ग्रीन हाउस पे मतलब वो रिलेटेड कर देना चाहिए बस के से। एग्जैक्ट, ठीक है, फर्दर क्वेश्चन किसी को इसमें नहीं है, हो गया किसी को क्वेश्चन नहीं है, बट 2014 का पेपर था क्या, आपने दूसरा कर दिया जी, गाय जाता है ऐसे, बाकी गाय की सर